हेलो एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ हेयर स्टाइल वीडियो जो मुझे लगता है कि बहुत सदियों के बाद मेरे चैनल पे आएगी। बट यस, हमने क्रिएट किया है ये प्यारू सा ब्रेड वाला हेयर स्टाइल जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। आई होप आप इसको इन्जॉय करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर सब्सक्राइब करने का कंसिडर करेंगे तो बेल को भी क्लिक कर देना, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा जब मैं वीडियो डालूंगी। अगर बेल होगी तो टिंग टांग हो जाएगा। सो यस, जल्दी से आप देख लें कि कैसे आप ये प्यारा हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय हो चुका है कि कोई हेयर स्टाइल नहीं किया गया है, तो आज हम करेंगे नन्नू सा हेयर स्टाइल। सो उसके लिए मैं मेरे बालों को दो सेक्शंस में बांट लूँगी। सो सबसे पहले बिग एक सेक्शन लेते हैं कुछ इस तरह का, उसको बांटेंगे दो हिस्सों में। क्या वो दो हिस्से बराबर होने चाहिए? बराबर होंगे तो अच्छा है, नहीं होंगे तो भी अच्छा है। ओके, क्या वो मिडल में पार्टीशन हो या कैसे हो, आपकी मर्जी है यार, जैसे भी हो। सो अब बहुत आसान है, ऐसे हो गया। अब इसकी हम बहुत टाइट ब्रेड करेंगे, 3 स्ट्रैंड तीन हिस्से वाली ब्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट। ईजीएस्ट सिंपल थिंग, बहुत ज़्यादा टाइट करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा क्लीन हो। करते जाएं, जितना करना चाहते हैं कर लें, नाइस एंड क्लीन करें, जितनी क्लीन आपसे हो सकती है। मुझे लगता है इतनी बहुत है। सो ये हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस लेके जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर डालें, वापस लेके जाएं और यहाँ पे हम इसको पिन कर देंगे। मुझे इंडियन स्टाइल पिन्स अच्छी लगती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट हैं। हमारे यहाँ पे जो बॉबी पिन्स मिलती है ना, वो इनफ टाइट नहीं होती। सो ये हो गया अब। सो इस हिस्से के साथ भी ऐसे किया जाएगा, पहले इसको क्लीन कर लें एंड बहुत टाइट ब्रेड करेंगे। मेक श्योर करें कि आपकी जो ब्रेड है नाइस एंड क्लीन हो। मेरे पास ना नन्नी नन्नी सी रबर बैंड नहीं है, नहीं तो आप वो पहन ले इसके ऊपर ताकि खुले नहीं, पर मुझे ज़्यादा देर के लिए तो रखना नहीं है। सो इट्स ओके, सो नाइस एंड क्लीन ब्रेड कर लेंगे। वंस दिस इज डन, इसे भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे पीछे की तरफ। मेक श्योर करें कि ये एरिया भी क्लीन हो और इसे भी हम पिन कर लेंगे। जितना टाइट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर मेरा चेहरा अजीब सा लगेगा। सो इसी तरह ये हो चुका है डन। अब मेरे बाल जो है ऑलरेडी वेवी हैं, इसके साथ ही कुछ इस तरह का दिख रहा है हेयर स्टाइल। सो अगली चीज़ है कि एक रबर बैंड लेंगे, इस एरिया को उठाएंगे जो हमारी पोनी के पीछे है जिसको हमने स्टाइल किया है, और हमारी जो पिन्स हमने लगाई हैं उसे निकाल देंगे। सो यहाँ से जितना भी आप हिस्सा लेना चाहते हैं लें, और उसे हम रबर बैंड में टाई कर लेंगे इंक्लूडिंग दीज ब्रेड्स। सो यस, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत सारे आउटफिट्स के साथ। और बेस्ट है कि जब आपके बालों में से ग्रीस निकल जाती है, आपके बाल ऑयली हो जाते हैं, उन दिनों में ये करना बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि फिर ज़्यादा क्लीन होगा और आपको पता नहीं चलता है क्या करें। मेरे साथ बहुत होता है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, एवरी वॉश करने के एवरी 2 या 3 दिन में ऐसे हो जाते हैं वो तो। एंड हाँ, मैं मेरे बालों को बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि 7 डेज में एक बार करूँ। मैं 2 बार कर ही लेती हूँ, पर यह हेयर स्टाइल बेस्ट है उस काम के लिए। और आप इन सारे बालों को भी टाई कर सकते हैं हाई पोनीटेल में, तब भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, नाइस एंड क्लीन। और दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं मैं मेरे बालों को वेवी कैसे करती हूँ या स्टाइल कैसे करती हूँ, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, आप देख सकते हैं। सो इसी तरह आप नन्हे मन्ने से 3 डिफरेंट स्टाइल बना सकते हैं सिर्फ इन ब्रेड्स के साथ, जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट है, पर ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाला है। आई होप आपने ये वीडियो को इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप और हेयर स्टाइल जैसी वीडियो देखना चाहते हैं ईजी पीजी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बार में, कमेंट करके वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय, लव यू।